सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पैसे के लिए कुछ भी करेगा। यह एक लेख है जिसके माध्यम से लेखक का ये उद्देश्य कि वो लोगों को ये बताएं कि हमारे पास जो भी योग्यता है हम उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को ये बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अथाह बुद्धि होती है और वो उसका जो दिमाग है बहुत ही शातिर चलता है। मनुष्य का दिमाग जो है वो पैसे की लालच में आकर अपनी योग्यता का दुरुपयोग करने पर भी पीछे नहीं हटता है। तो इस खरगोश और कछुए की कहानी द्वारा यही बताया जा रहा है। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवक खरगोश तैस खाकर खा गया। ना जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिख पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है कछुआ और दूसरा छलांग में कई मीटर नाप लेता है। फिर भी सदियों से हारा हुआ कहावत चला आ रहा है, ना घोर अनर्थ घोर ना इंसाफी। वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण। यानी कछुए को अपने इस पूर्वज की गई गलतियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर वो अपने पूर्वजों के बारे में सोचता है कि उनकी गलतियों का हर्जाना इन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। वो बोलता है कि ना जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था या फिर अपनी टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया था, बीच दौड़ में टांगें पसार कर बेफिक्र सो गया होगा और अब कलंक का बोझ सारी कौम को उठाना पड़ रहा है। आहत खरगोश ने इस सदियों पुराने कलंक को धोने की ठान ली और शहर के कछुओं से भरे सबसे बड़े तालाब के किनारे जाकर एक बार फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली। चुनौती की गर्जन सुनकर कछुआ जो है वो अस्तब्ध रह जाता है। मुंह से एक बोल उसके नहीं फूटता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन उसे ख्याति प्राप्त थी। वो सोचता है कि हर कछुए ने जब एक में वो संभाला था खरगोश के दौड़ जीतने का तमगा गले में लटका पाया था, अब इसे दोबारा सिद्ध करने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात टालने की कोशिश की। वो बोलता है, भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है। दौड़ जो होनी थी सो हो चुकी, सारे जमाने को उसके नतीजे का पता है। अब बार बार दौड़ तो नहीं होती। खरगोश बोलता है, कैसे नहीं होती। वह दौड़ एक धोखा था, फरेब थी, हमारी जात को बदनाम करने का षड्यंत्र था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता और वो उस दौड़ को नहीं मानता है और बोलता है कि अगर कोई मुझसे जीत कर दिखाए तो मैं मानूं। खरगोश आपे से बाहर हो जाता है। तैस खाने में कुछ नहीं रखा था, अतः बुजुर्ग कछुए ने शलीन तर्क प्रस्तुत किया। देखो, तुम जवान हो और हम बूढ़े हो चुके, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। अगर हम लोग जब जवान थे तब कहते तो कुछ चलता। तो खरगोश बोलता है कि बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, यानी अभी भी तुम्हारे इसमें भी तो कुछ कछुए जो हैं वो जवान हैं। सारे कछुए तो बूढ़े नहीं हुए, मैं तो किसी एक से भी दौड़ लगाने को तैयार हूँ। हर कोई माई का लाल कछुओं में। खरगोश ने ताल ठोक कर 2 बार उछाल भरी। तो कछुए में माई का लाल तो सभी था, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुए जितना बचना चाह रहे थे खरगोश उतना ही लपेट रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस पर की बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा। खामखा इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था आबेल मुझे मार। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता है। यानी अगर आप कमज़ोर हैं तो आप धीरे धीरे नीचे ही की ओर चले जाते हैं। सो जब्त कर बचाव का पैतरा फेंका। वो लोग, अब भाई हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा वैसे ही चलने दो, हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा वैसा नहीं चलने देगा, पूर्वजों का कलंक वो हटा कर रहेगा। इसलिए वह जोर से गरजता है, लगानी कैसे नहीं है, अगर दौड़ नहीं लगानी तो हार माननी पड़ेगी, घोषणा करनी होगी कि कछुआ खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुआ चुप्पी साध जाता है। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था।
वो सोचता है कि अगर अभी जो ये कछुआ चुप था तो अभी हम मैंने प्रेस को ले आता तो कितना अच्छा होता, कोई संवाददाता होता उसकी इस दमदार चुनौती की सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कुछ कछुए इसी तरह टाल मटोल करते रहें तो कैसी होगी दौड़, कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुँह उजला, कैसे धुलेगी परंपरागत कालिक। उसी चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी, स्थानीय एवं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। उस कलमूही कहावत का भी तो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। वो बोलता है, मैं कल फिर इसी समय आऊँगा, इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी नहीं हुआ तो समझ लेना कहावत बदल जाएगी, देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया। खुली चुनौती के बाद भी कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका, वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं जिसका फ़ायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओ। खरगोश तो वहाँ से चला जाता इतना कहकर, खरगोश तो अफनाता विफलता अगले दिन आने के लिए कहकर वहाँ से चला गया, लेकिन कछुए की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत में पड़ गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अचानक खरगोश की भांति की मति कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया को चारों ओर से घेर लेते हैं। चिंतातुर मुखिया की वाणी गंभीर हो गई, वह भी सोचने लगे कि हम इस संकट से कैसे निकले। लगता है कि यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम इस दौड़ को जीत नहीं सकते, मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वह है मनुष्य। मुखिया को मनुष्य याद आता, मनुष्य उसमें सोचने समझने की ताकत हमसे कुछ ज़्यादा है, ईश्वर ने उसे मस्तिष्क का आकार प्रकार हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है, उससे दिन रात नई नई खुराफातें पकती रहती, अगर वही हमारी सहायता करना चाहे तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकल लेगा। मनुष्य जाति तो बहुत लालची है, बिना फायदे देखे तो एक फली भी नहीं फोड़ता, हमारी सहायता क्यों करेगा, कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था, बुजुर्ग कछुए ने 16:15 आने सच कहा, उसके अपने अनुभव का यही निचोड़ था, लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने के लिए तैयार थी। सब कुछ दौ पर लगा था, पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, अतः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली, तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थाली निकाल लिया। वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व और एक सृष्टि की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था। इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह एक पुस्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आई थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया था। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुआओं का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी बातें उसको बताता है और सहायता के लिए उसको गुहार लगाता। नामी वकील तिकड़म दास ने मुँह टेढ़ा कर लिया, उलाहने दिए, कछुए खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो, खरगोश की छलांग देखिए कभी। कछुए ने तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी, थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गए। तिकड़म दास ने आंखों ही आंखों में गिनती कर ली, खरे सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई, उसकी आंखों में चमक और आवाज में सहानुभूति उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो, तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, अब जाओ, खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देखरेख में होगी, बाकी सारी बातें मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चित रहो। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़म दास आगे कुछ भी बोलने बताने के मूड में नहीं था, अतः कछुआ मन महसूस कर वापस लौट गया। तो ये पाठ का एक भाग मैंने इस
वीडियो में पूरा नहीं किया है, इसका पाठ का पूरा भाग मैं दूसरे वीडियो में पूरा करूंगी। धन्यवाद।